बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वसीब खबरनामा है वासिफ मलिक। सब तो पहले वसीब हेडलाइंस। बेरहम भारत की बेहिसी बरकरार, मजलूम कश्मीर की मुश्किलात घट ना थी सकिया। मकबूजा वारिश कर्फ्यू के 95वें डी भी कारोबारी सरगर्मियों के निजामे जिंदगी मुअत्तल। कठपुतली इंतजामिया मुहर्रम और आराम के जलूसा से भी पाबंदी ला रखी है। पूरे मुल्क नौ मुहर्रम आराम के सिलसिले मजलिस आज़ादा इनेकाद से जलूस बरामद किए गए। फैसलाबाद खैमा बस्ती आबाद सिक्योरिटी हाई अलर्ट। कई शहर दफा 144 नाफिज। मोबाइल फोन बंद ते डबल सवारी ते पाबंदी आयद की गई है। कराची दहशतगर्द वल सरगरम। औरंगी ईदगाह पाक कॉलोनी के लियारी फायरिंग नाल त्रै बंदे जां वक दो जख्मी दिखे। शादमान टाउन तो हसास इदारे फिरका वराना टारगेट किलिंग मुलविज दहशतगर्द पकड़ गया। सदर तो जाली पुलिस एहलकार गिरफ्तार। रही मीर खान दे इलाके कोटला पठान नाल कौमी शाहराह ते वैगन ट्रक नाल टकरा गई। हादसे त्रै बंदे जां वक ते दो जख्मी। हादसे का शिकार वैगन गौर खान तो लाल शहबाज कंदर वेंदी पई आई। पूरे मुल्क नौ मुहर्रम के सिलसिले मजलिस आज़ादा इनेकाद ते जलूस बरामद किए गए। फैसलाबाद खैमा बस्ती आबाद सिक्योरिटी हाई अलर्ट। कई शहर दफा 144 नाफिज। मोबाइल फोन बंद ते डबल सवारी ते पाबंदी आज की गई है। मुहर्रम आराम शौदा करबला कुखरा की अकीदत पेश कर सके। फैसलाबाद खैमा बस्ती आबाद की गई। शिकारपुर आशूरा के सिलसिले सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। शहर काले शीशे वाली गाड़िया की शामत आ गई। पुलिस कई गाड़िया के सियाह शीशे लहा गए। सहंगड़ हज़रत इमाम हुसैन की अजीम शहादत की याद मुहर्रम आराम अकीदत एहतराम के नाल मनाया जाता पे। जिले को हसास करार दिता गया। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जजोई मजालस से जलूस कढ़ण के नाल नाल कब्रिस्तान वनते लोग अपने प्यारियां दे कबरों से फातिहा खानी की। उस शरीफ में भी मातमी जलूस बरामद किए गए। मजालस आजाद उलमा के जाकरीन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु उन्होंने रुफका की शहादत से तफसीली रोशनी पाती। शहर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। मंडी शाह जीवन भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। पुलिस होटलों से किरायादारों के कवायद की तस्दीक भी की। दूजे पासों हंगू हरिपुर लइया रहीमर खान बखर बावलनगर जाफराबाद समेत कई शहर मातमी जलूसों के मजालस का सिलसिला जारी है। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र पुलिस एहलकार तैनात से एफ सी पाक फौज को हाई अलर्ट करता गया। जरा जो दफा 144 के तहत डबल सवारी पाबंदी से मोबाइल फोन सर्विस बंद कर दी गई। कराची कानून नाफिज करने वाले इदारे मुख्तलिफ इलाकों कार्रवाइया करते हुए फिरका वराना टारगेट किलिंग मुलविज दहशतगर्द से जाली पुलिस एहलकार को गिरफ्तार कर दिया। जिला जो फायरिंग के वाकयात दो बंदे जान तो हद दो बैठे। शहर एकाद अमन दुश्मनों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइया। शादमान टाउन हसास इदारे कार्रवाई करते हुए दहशतगर्द के फिरका वराना टारगेट किलिंग मुलविज मुलजिम मेहदी मौसवी को गिरफ्तार कर दिया। मुलजिम के हवाले नाल इंकशाफ थे जो वह साबिक ईरानी कौंसल जनरल का मुतरजम रह चुके। एफ आई ए के सीनियर अफसर नाल भी सरगर्म रहा। उनके नाल नाल दर्जना अहम शख्सियात के नाल रवाबित हैं। मुलजिम को मजीद तफ्तीश सांगे नामालूम मकाम से मुंतकिल करता गया। दूजे पासों सदर दे इलाके मीर करम अली तालपुर रोड तो पुलिस पंजाब पुलिस की वर्दी पाते हुए एक मशकूक बंदे को गिरफ्तार कर दिया। जिनकी शिनाख्त मुहम्मद अंसार के नाँ तो थी। मुलजिम जलूस के रस्ते से लाते गए कंटेनर से आसू पासों घूमता पिया। मुलजिम के खिलाफ थाना सदर मुकदमा दर्ज करते तफ्तीश शुरू कर दी गई है। कराची इलाके औरंगी टाउन इस्लाम चौक नाल फायरिंग नतीजे 28 साल काशिफ जाम वक्त ही गया। मकतूल पी एस पी के जिम्मेदार आसिफ तिली का बिराह। पाक कॉलोनी फायरिंग नाल शहबाज ना का बंदा जाम वक्त मोहसिन जख्मी दी गया। ईदगाह वर्कशॉप नाल फायरिंग एक शख्स दम तोड़ गया। जरा जो लियारी मीरा नाका नाल फायरिंग के नतीजे एक शख्स जख्मी दी गया। खबर फिलहाल इतना ही। मजीद खबर अपडेट्स आगे देते रहो वसीब न्यूज़।